इतना लग रहा है अच्छा पीछे गिर जाते हो बस ये मतलब खुल नहीं रहा पूरा ठीक है ठीक है चलो पैर लेट जाओ पूरा पूरा लेटो ये मैक्सिमम है हाथ तो नहीं लगाना पड़ रहा तुमको बैठ तो गए पीछे टेक भी नहीं है ठीक है हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग आयर्वेदय स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो फ्रेंड्स आज अपनी एवियन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक पेशेंट और हमारे पास से विदा हो रहे हैं इनका नाम है विपिन जी विपिन जी नमस्कार नमस्कार जी ये हैदराबाद से आए थे और इनको इवेंट की प्रॉब्लम थी काफ़ी ज़्यादा समस्या है उनकी और फीमर हेड का शेप भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो मैं भी आपको सब एक्सरे में इनको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे शेप में कितना कुछ चेंज हो पाया है सेवन डेज़ में और इनको कितना रिलैक्स हुआ वो सब चीज़ हम लोग जानते हैं और समझते हैं इनसे तो सबसे पहले हम ये देख पूछते हैं कि इनको एवियन कैसे हुआ था तो विपिन जी आपको एवियन कैसे हुआ और कब इसके बारे में पता चला सर तो ये कैसे हुआ इसका तो कोई रीज़न ही है सर बट मेरे को 2018 में जब मैं क्रिकेट खेल रहा था रात में एकदम से में से कट करके आवाज़ आई थी तो मैं सोचा था कुछ कैंप होगा करके बट जब डॉक्टर के पास गया तो जुलाई में मेरे को पेन बहुत ज्यादा हो गया था नहीं। 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 तो डॉक्टर के पास जब मैं जुलाई में गया तो उन्होंने बोला एक्सरे और एम आर आई निकल एम आर आई में पता चला कि एवियन है स्टेज थ्री में है करके सर ठीक है और ये डिजीज़ ऐसा है कि सर पता नहीं चलता है अनटिल अनलेस यू यू आर नो वेरी पेक्यूलर अबाउट इट वो अब वो पेन हो गया था फिर मैं तीन साल से गोली खा रहा हूँ इंग्लिश मेडिसिन जहाँ पे भी इंग्लिश डॉक्टर्स के पास जाता हूँ तो सब यही बोलते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट एक ही ऑप्शन है आपके पास बचा हुआ uh -huh. या फिर कोड डिकम्प्रेशन करवा लो ये एक uh -huh. नया थेरेपी है करके बट मैं आई वॉज स्टिक डू इट कि मेरे को नेचुरल ही होना है जब तक नेचुरल है तब तक अच्छा है uh -huh. फिर के फिर मैं आपको यूट्यूब में वीडियो सर्च करता था करता था एक uh -huh. दिन बड़ी मुश्किल से आपका वीडियो मिला uh -huh. फिर वहाँ से मैं आपको फॉलोअप कर रहा हूँ फ़ोन करके बात कर रहा हूँ क्या करना है कैसा करना है फिर बोला कि आप पुणे में कैंप है फिर हैदराबाद में मैं बोला पुणे से नहीं आ सकता सर मेरा जॉब छोड़ जॉब का टाइम था इसके लिए फिर उसके बाद में आप बोले कानपुर में हम अभी फ्री हैं तो आ जाओ तो कानपुर में आया हूँ आने के बाद मेरे को अभी थर्टी परसेंट तो रिलैक्स लग रहा है जहाँ से पहले सा होता अच्छा बाकी और कम ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में जैसे कोर्डिकेशन या इवन जो आप मेडिसन्स भी लेते रहे एलोपैथी मेडिसन्स लेते रहे कितने महीने तक लिया होगा आपने लगभग सर तीन साल तो कंटिन्यू सर बीच में दो साल आयुर्वेदिक मेडिसिन थी उसके साथ में फिर इंग्लिश मेडिसन्स भी था तो उन तीन सालों में क्या कुछ इंप्रूवमेंट दिखा था किसी तरह की इम्प्रूवमेंट था सर ये है कि गोली खाता हूँ तो पेन नहीं रहता था अच्छा गोली एकदम हाँ जैसा गोली छोड़ दिया फिर एक दो दिन चलता था उसके बाद तीसरे दिन से फिर पेन शुरू हो जाता था ठीक है ठीक है तो आपने देखा होगा कि हम लोग की जो दवाइयाँ हैं सब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स दवाइयाँ हैं और उसमें कोई पेन किलर नहीं है ठीक है तो इसके बाद अभी जो पेन जो आपको रिड्यूस हो रहा है कैसा लग रहा है पहले के कंपेरिजन में कितना बेटर लग, लग, लग रहा है रिलैक्स लग रहा है सर अभी तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई और दो सीटिंग शायद मेरी हो जाएगी तो नई एक ही सीटिंग में शायद नह मैं क्लियर हो जाएगा या फिर दो सीटिंग में हो जाएगी मेरी लग रहा है तो पहले जैसे आप बैठ नहीं पा पा रहे थे जब आपका जो वीडियो था स्टार्टिंग में पूरा नहीं बैठ पा रहे थे आप जो आपने अच्छे से बैठ के दिखाया है वो भी एक मेजर चेंजेस है हाँ सर तो ए के जो पेशेंट्स हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है आपके लिए क्या मतलब उनके लिए आपका मन में क्या सजेशन है क्या कहना चाहेंगे सर जब तक नेचुरल है तब तक बहुत अच्छा है सर जिस दिन रॉड या जो भी इम्प्लांट जो भी हम कराते हैं तो वो लग जाएगा फिर ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी फिर उसके बाद कुछ उसके बाद ऑप्शन नहीं है बच्चे का अपने डॉक्टर कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा फिर नहीं। तो राम भरोसे है, तो हाँ। है, तो तो है इसके लिए एक बार कोशिश कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब से मिले बात करें उनके रिव्यूज ले उसके बाद में दे कैन टेक एन फर्दर स्टेप क्या करना है बाकी आपको यहाँ पे व्यवस्था सब अच्छी है चलिए ठीक है तो क्या आपका ये वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं हाँ सर जरूर ठीक है बहुत बहुत बाकी मेरे को देख के कोई और इंस्पायर हो के और आपके पास आए हैं हाँ, हाँ हाँ, हाँ। सही बात है जब आप भी किसी का देख के आए हैं तो हाँ फिर सर हम तो देख के ही आए हैं ठीक है अच्छा इसको अपने थोड़े तेलंगाना लैंग्वेज में थोड़ा सा बोल दीजिए क्योंकि जो आपके पेशेंट्स हैं उधर हैदराबाद साइड के हैं तेलंगाना के हैं उनके लिखा थोड़ा से इधर इधर प्रॉब्लम हों आदि मन की इनिशियल स्टेजेस लोग థర్డ్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ ఫిఫ్త్ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఏర్పడి ఏర్పడుతుంది ఏంటంటే కాలంలో పెయిన్ వస్తుంది అని చెప్పేసి మనం ఏదో చేస్తున్నాము ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ తీసుకుంటున్నాం పెయిన్ తగ్గుతుంది వేసుకుంటున్నాం కానీ అది కాదు ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ కంటే మీరు ఆయుర్వేదిక్ ప్లస్ న్యాచురల్ ఏదైతే ఉన్నదో అది ట్రై చేయండి డాక్టర్ సార్ కూడా చాలా మంచిగా హెల్ప్ చేస్తారు మనకు అందరికీ అండ్ నన్ను అడిగితే న్యాచురల్ ఈస్ ద బెస్ట్ అని చెప్పి నేను అంటాను ओके थैंक यू तो देख सकते हैं आप ये जो इनका एक्सरे है बीस दो दो हज़ार इक्कीस का है जिस तारीख को ये हमारे पास आए थे और ये इनका राइट साइड का है और ये लेफ्ट साइड का है दोनों के ही शेप बिगड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं ठीक है शेप तो अब रहा ही नहीं बिल्कुल और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेस भी कितने कम है और इसमें जो है आपके जो जो बोन की डेंसिटी है वो भी रिड्यूस हो रखी पैचे है पैचेस काफ़ी सारे हैं ठीक है ये भी इधर पैच है और ये इधर स्पेस काफ़ी जो है नुकीले उभार अब मैं आपको इनका नया एक्सरे दिखाता हूँ ये जो नया एक्सरे है 27 दो 2021 का है इसमें देख सकते हो कि ये जो पहले यहाँ पे जो स्पॉट था इसमें बीच में एक लाइन आ गई दैट मीन्स कि ये सरफेस फिल हुआ है और ऑस्टियोपोरोटिक जो पैच है प्लस इसमें बीच बीच में स्पॉट जो थे वो पहले के कंपैरिजन में कम है ऐसे इसमें भी देख सकते हैं इस तरफ भी जो है इधर ऑस्ट्रोफाइट जो था वो कम है और इसमें ऑस्ट्रोप्रोटिक पैच कम है और ये वाला भी कम हुआ है कंपेयर करने के लिए मैं दोनों को एक साथ लगा देता हूँ और अब आप दोनों को एक साथ देखिए ये बीस तारीख वाला है और ये सत्ताईस तारीख वाला है ठीक है और इसमें अब आप देखिए कि ये इस तरफ वाला जो पैच ये देखिए बड़ा सा पैच था और इसमें कोई लिंक वाली नहीं दिख रही थी इसमें देखिए एक थोड़ा सा लिंक दिख रहा है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस को फिल करने के इंडिकेशन है प्लस ये देखिए बीच में ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस ये, ये इधर इधर पैचेस उसके कंपेरिजन में हल्के हो गए हैं ठीक है और ये नीचे भी एक सरफेस पकड़ा है इधर एक नॉच है उधर ये सरफेस जा रहा है अगर ये फिल हो जाएगा तो ये काफ़ी बेटर शेप में आ जाएगा सेवन डेज़ में इतना चेंज हुआ है इस वाले में लेफ्ट वाले में दोनों को कंपेयर करके आप देख सकते हैं अब ये राइट वाले में देखते हैं राइट वाले में भी आप देख सकते हैं कि पहले इधर कितना ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस था है ना और अब इधर इसमें काफ़ी कम है ठीक है और इधर भी कई सारे पैचेस ये 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 सब है इधर भी उसके कंपैरिजन में कम है और एक सही एरिया है और ये सरफेस भी स्मूथ हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके क्योंकि इस यहाँ पर पे स्पेस बिल्कुल मार्जिन पे जैसे यहाँ बिल्कुल मार्जिन पे चिपकने वाला है बिल्कुल यही चिप लगता है इधर थोड़ा सा स्पेस मिल गया है इसको ठीक है तो ये सेवन डेज़ में इनके चेंजेस हैं 20 तारीख का एक्सरे और 27 तारीख का एक्सरे ठीक तो फ्रेंड्स आपने देखा इनके एक्सरे में क्या क्या चेंजेस हैं और आपने इनके विचार भी सुने पहले के कंपेरिजन में काफ़ी बेटर हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ख़ासतौर से जो तेलंगाना के पेशेंट्स हैं वो लोग खासतौर से इस वीडियो को देखिए इन्होंने अपनी पर्सनल लैंग्वेज में समझाया भी है और आप लोगों के लिए बेस्ट आ, वीडियो है सो so दैट कि आपकी इंफॉमेशन इंक्रीज़ हो सके और इसको शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको एवीएन या एनकैलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस जैसी कोई प्रॉब्लम है टिल देन बाय बाय